The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal dosto. Masturbation ke bare mein itni sari ulti seedhi videos, itne sare ulte seedhe क्लेम्स आप दुनिया में देखेंगे कि उससे ये आपके दिमाग ख़राब हो जाता है, उससे आप नपुंसक बन सकते हैं, कमज़ोर होते जाएंगे, ब्लाइंड अंधे हो जाएंगे, आपको एक्नी आ जाएंगे, आपके बाल झड़ जाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी सच्चाई है। तो आज हम बात करेंगे असल बात की कि आप मैस्टर्बेशन कर सकते हैं या नहीं, कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या सेफ है क्या नहीं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आई एम डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सारी वीडियोस हमारी ऑथेंटिक वेरीफाइड होती है, सो यू कैन ट्रस्ट देम। सो मैस्टर्बेशन क्या होता है? मैस्टर्बेशन का मतलब आप अपने जेनाइटल्स को खुद ही टच करते हैं और अपने आप को सेक्शुअली अराउज करते हैं, प्लेजर करते हैं। दोनों आदमी और औरत इसे करते हैं, कर सकते हैं, और आप अपने आप को मैस्टर्बेट कर सकते हो या आप किसी और को भी मैस्टर्बेट करने में मदद कर सकते हो। ये चीज़, क्या मैस्टर्बेशन नॉर्मल है? एब्सोल्युटली मैस्टर्बेट करना एब्सोल्युटली नॉर्मल है, और ना सिर्फ इससे आपको प्लेजर मिलता है, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे आपके हॉर्मोन्स, एंडोर्फिन्स, यूफोरिन्स सिक्रीट होते हैं बॉडी में, बल्कि आप कुछ सीखते भी हैं। क्या सीखते हैं? आप अपने बारे में सीखते हैं कि आपको सेक्सुअली क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और मेन आदमी अपने बारे में ये सीखता है कि वो ऑर्गेज़म कैसे अचीव कर पाता है, किस तरीके से बेहतर उसे अच्छा लगता है। विमेन, औरतें ये सीख सकती हैं कि उनको कैसे मदद होती है ऑर्गेज़म तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक कि कई कपल्स एक दूसरे को मैस्टर्बेट करते हैं और रेगुलरली अपने रिलेशनशिप को इस तरह इंजॉय करते हैं। कई कपल नहीं करते, कई लोग मैस्टर्बेट नहीं करते, और ये ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। करने में कोई बुराई नहीं है, नहीं करने में कोई बुराई नहीं है। इट्स अ पर्सनल चॉइस, वो आपकी खुद की मर्जी है, ठीक है। मैस्टर्बेट करें तो कैसे करते हैं, इसका कोई सही या गलत तरीका नहीं है। औरत और मर्द दोनों मैस्टर्बेट करते हैं। मर्द यूजुअली अपने पेनिस को रब करते हैं और औरतें यूजुअली अपने क्लाइटोरिस को या वजाइना के अराउंड एरिया को टच करते हैं। क्लाइटोरिस एक छोटा बम्प होता है जो वजाइना के एंट्रेंस के ऊपर होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है और उसमें बहुत सारी नसें होती हैं। स्टिमुलेशन, उसको टच करना, उसको स्टिमुलेट करने से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सेक्सुअल फीलिंग्स मिलती हैं एक फीमेल को। ज़्यादातर औरतों को क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट करना ज़रूरी हो जाता है ऑर्गेज़म तक पहुंचने के लिए, चाहे वो मैस्टर्बेट कर रहे हो या सेक्स कर रहे हो। इजैकुलेशन क्या होता है? जब भी पेनिस से सीमन, स्पर्म्स आउट बाहर आते हैं उनको ऑर्गेज़म के टाइम पे, तो उसे इजैकुलेशन कहते हैं। जो इजैकुलेशन से पहले आता है उसे प्री इजैकुलेट या प्री कम कहते हैं, और जो इजैकुलेट होता है वो करीब 5 ml के आसपास, या ज़्यादा या कम भी हो सकता है, उतना आपका सीमन निकलता है। ज़्यादा निकल सकता है अगर आपने पिछले कई दिनों में या कई कुछ टाइम तक मैस्टर्बेट नहीं किया है या इजैकुलेट नहीं किया है। औरतों में भी इजैकुलेट निकलता है, लेकिन ये मर्दों के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, ठीक। और फिर आखिरी सवाल आता है कि क्या मैस्टर्बेशन सेफ है? जी हाँ, मैस्टर्बेशन बिल्कुल सेफ है, उससे कोई नपुंसकता या कोई कमज़ोरी, कोई इंसैनिटी, कोई पागलपन, कोई एक्ने या कोई हेयर ग्रोथ नहीं हो जाते या हेयर लॉस नहीं होते, ठीक है। उससे मैस्टर्बेट करने से आप प्रेग्नेंट नहीं होते,
या आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होती। लेकिन अगर आप दो लोग एक दूसरे का को मैस्टर्बेट कर रहे हैं, तो अगर स्पर्म्स आपके सीमन किसी तरह से वजाइना को टच कर जाते हैं या उसके अंदर चले जाते हैं आपके पार्टनर के फिंगर से, राइट, तो फिर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और इसी तरह से आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती है अगर आप किसी और के जेनाइटल्स को टच करते हैं जिसको कि एसटीडी है, और फिर अपने जेनाइटल्स को टच करते हैं। तो क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आपके इन्फेक्टेड सीमन या इन्फेक्टेड वजाइनल फ्लूइड से ट्रांसमिट हो सकती हैं, ठीक। और इवन इफ आप अगर सेक्स टॉयज यूज़ कर रहे हैं मैस्टर्बेशन के लिए, तो आप किसी और को अगर वो टॉय देते हैं और फिर वो आप इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है डिजीज़, तो फिर उस टॉय से आपको हो सकती है। किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट जो आप सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वो एक सेक्स टॉय माना जा सकता है, उसके डिज़ाइन या उसकी फंक्शनैलिटी कैसी भी हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तो आप उसे साफ़ रखें पहले, इस्तेमाल करने से पहले और बाद में जितना हो सके साफ रखें, और सेक्स करने से पहले जितना हो सके कॉन्डम का इस्तेमाल करें। फिर आते ये सवाल, क्या आप मैस्टर्बेट करते हुए अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, क्या आप अपने आप को इंजरी कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मली आप अपने आप को इंजरी नहीं कर पाओगे, इट्स अनलाइकली, लेकिन फिर भी इट्स पॉसिबल। ज़्यादातर मर्द अपने आप को बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो लोग मैस्टर्बेट करते हैं या बहुत ज़्यादा रफली मैस्टर्बेट, बहुत हार्ड, टू हार्ड मैस्टर्बेशन करते हैं, तो उसमें उनको सोरनेस हो सकती है, पेनिस पे सोरनेस हो सकती है, लिंग पे कट्स भी आ सकते हैं, ब्रूजेस भी हो सकते हैं, सूजन भी आ सकती है। सूजन अगर आती है तो उसे हम बेसिकली एडिमा कहते हैं। लेकिन अगर क्या आप एक्चुअली पेनिस को, कई लोगों को ये डर होता है कि क्या आप पेनिस को एक्चुअली तोड़ सकते हैं, टूट तो नहीं जाएगा? जी हाँ, कई लोग ये सोचते हैं, लेकिन ये समझिए ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब एक इरेक्ट पेनिस को बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंटली ट्विस्ट किया जाए, जो कि ज़्यादातर केसेस में आप खुद नहीं कर सकते, कोई दूसरा अगर करे तो ज़रूर ये हो सकता है बहुत वॉयलेंटली, राइट। सो ये बहुत रेयर है। फिर क्वेश्चन आता है, क्या मैस्टर्बेशन से आपकी स्पर्म काउंट या आपकी फर्टिलिटी में, आपके बच्चा पैदा करने की क्षमता में कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, मैस्टर्बेशन से आपकी जो क्षमता है स्पर्म बनाने की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी नहीं। आदमी, आपके स्पर्म्स ख़त्म नहीं होने वाले, वो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, कंटिन्यूसली मैच्योर होते रहते हैं। और जब आप इजैकुलेट कर देते हो तो थोड़े टाइम लगता है वापस उस इजैकुलेट को इकट्ठा होने के लिए, सीमेन को, स्पर्म्स को वापस इकट्ठा होने के लिए, और ये नॉर्मल है, इसमें कोई गलत एबनॉर्मलिटी या बीमारी वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या मैस्टर्बेशन ज़्यादा होना ख़राब है, और कितना ज़्यादा होना ख़राब है? देखिए, मैस्टर्बेशन एक हार्मलेस चीज़ है, ये ज़्यादा होना भी हार्मलेस होता है, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं एक ही दिन में, बहुत छोटे टाइम में, तो फिर कई दफ़ा आपको सूजन आ सकती है पेनिस में, जिसे एडिमा कहते हैं, यानी कि पेनिस के आसपास पानी भर जाता है, नीचे नहीं, अंडकोश में नहीं, पेनिस के ऊपर, जो कि दो चार दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप को मैस्टर्बेट करने की नीड हो गई है, लत लग गई है, कि आप नॉर्मल जीवन अपने जीने से इंटरफियर हो रहा है, ये कि आपकी एवरीडे लाइफ पे फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर, और या फिर आप बिना फीलिंग के मैस्टर्बेट कर रहे हैं, तो उसे ओसीडी वाला मैस्टर्बेशन कह सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है, कि ऑब्सेशन हो गया है, कंपल्शन हो गया है कि आपको करना ही करना है, तब आपको फिर मदद की आवश्यकता है, तब आप अपने डॉक्टर से, किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे। सो ये हुई बात दोस्तों मैस्टर्बेशन की, ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए।
अनफॉर्चुनेटली सही जानकारी अवेलेबल ना होने के वजह से कई लोगों को ये सब बातें नहीं पता होती। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी और ऐसे ही कई लोग इस वीडियो को देख के अपनी जिज्ञासाएं दूर करेंगे, अपने डाउट्स दूर करेंगे। और इसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आगे की वीडियो में कवर करूंगा कि जैसे क्या आप अपना पेनिस ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से ब्रेक हो जाए तो कैसे होगा और फिर क्या करें, और क्या मल्टीपल नाइट इरेक्शंस आपको होते हैं तो कोई गड़बड़ है, पेनिस की लेंथ का क्या प्रॉब्लम है, लेंथ बढ़ानी क्या कर सकते हैं, कैसे ना कैसे एक्सेट्रा, ऐसा कितनी होनी चाहिए, सब वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे वीडियोस धीरे धीरे लाने की। सो देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।